आप क्या करेंगे वाली है? क्या भरा आपने इसमें? दाल? ये देखो बच्चे लोग को पार्क जाना है तो भी हाँ, तो अपने मन से अपना टिफिन पैक कर रहे हैं। ये देखो इसको वानी को पसंद है दाल, तो वानी ने इस पे दाल भर ली है और पैक भी कर ली है प्रॉपर। वेरी गुड यार, तुम बड़े हो गए। उसमें बैठो मत। हाँ तुम्हारी चटनी ऊपर रखिए। वो नहीं वो, ये अरे ये तो हम लोग जा रहे हैं आज कहाँ? पार्क। शिवन्या वाणी को लेकर ये खड़ी है आज थार। पहली बार जा रही, इतनी बार जा चुकी है। मैं आ रही हूँ पापा का पर्स लेके। बिल्ली कितनी बड़ी बिल्ली, देखो 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 कितनी बड़ी बिल्ली। शिवन्या वाणी की 3-4 दिन की छुट्टी थी तो उन लोगों को कहीं ले गए, घर में ही थी। बहुत परेशान कर रही थी तो वर्मा जी बोलते हैं पास में पार्क है वहाँ लेके जाते तो दोनों घूम कर आ जाएंगे, फिर बदली वाला मौसम में बारिश हो जाएगी। जा रहे हम आज जा रहे हैं फिर से आगरा लेक लेक घूमने। इनको झूले झूलना है ना, झूले झूलना है। कल से स्कूल चालू है, छुट्टी खत्म हो गई है, इसलिए मन कर रहा है कि झूल ले एक दिन। वाणी हेलो करो इधर, यार देखो हीरो बना है मेरा बच्चा। ये हाय करो। दिख रहा है? दिख रहा है। बोलो ना बाप मेहदारी के लिए लड़ रहे हैं बेटा, के लिए लड़ रहा है। ये देखो इसके लिए हम लेके आए हैं ये बैंडेड टेप, इस मेडिकल से हमने खरीद के लाया है। और ये बच्चा क्या बोल रहा है? हटना, हट, बोले तो देख। प्रिया क्या बोल रहा है? वानी बोलो। हीरो हीरो क्या बोल रही है कि इसको पार्क जाना है तो मतलब अभी बैंडेड नहीं लगाना, ऐसा कह रही है। छोटा हीरो, तू बड़ा हीरो दिखा। ऐसा बड़ा हीरो की दाढ़ी आ गई है, ये ब्लड निकल रहा है उससे, दिखा। बैंडेड करने दे बच्चा, ला देखो। देखो जा दोनों पीछे, देखो वाणी शिवन्या। पार्क जा रही हो आज? देखिए दोस्तों बैंगलोर की रोडें आज खाली दिख रही है, मतलब पहली बार, मतलब अभी कितना 3 बज रहे हो ना, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। तो देखिए आज मतलब बहुत कम भीड़ दिख रही है, मार्केट एकदम खाली खाली है, अभी मेन रोड से चल रहे हैं। और मौसम मतलब बदली वाला, अभी थोड़ा धूप ही, देखो यहाँ तो धूप निकली है। और कभी कभी हमें घर से बाहर सिर्फ मन की शांति के लिए भी निकल जाना चाहिए, बच्चों के लिए ही। लेकिन थोड़ा बाहर जाते हैं और थोड़ा शांत वाले माहौल में बैठते हैं ना, तो मन में जितनी उथल पुथल मची होती है ना, वो सब शांत हो जाती है। मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो जाके किसी भी नदी के किनारे बैठ जाइए, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ हरियाली हो और शांत माहौल हो, तो वहाँ बहुत अच्छा और बहुत सुकून लगता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, कभी मन की शांति के लिए आपकी गाड़ी में चलते हों अच्छे से क्लासिक सॉन्ग जो बहुत पुराने ज़माने के होते हैं, और वो चलते रहें और आप गाड़ी चलाते रहें, और फिर जाइए उस स्थान पर जहाँ पर आपको शांति मिले। थोड़ी घर की मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत सारी जिम्मेदारी कामकाज से थोड़ा समय निकाल के हमारे खुद के लिए हमें जाना चाहिए, और थोड़ा सा समय हमारे खुद के लिए निकालना ज़रूरी है। भाग दौड़ तो ज़िंदगी में लगी हुई है। लेक जहाँ पर 4 बजे से टाइमिंग है, 7
बजे तक हम, लेकिन वानी को अंदर अभी नहीं जाने दिया जाएगा। वानी वानी इधर देखो, वानी जा गेट खोल के घुस जा, वानी जा। ये देखो कन्नड़ लिखा आगरा आ ग रा, देखो देखो आगर लेक, अभी आगरा नहीं आगर लेक अभी बंद है। वानी ये क्या करेगी, आधा घंटे बाद खुलेगी, अब आधा घंटे बाद वानी फिर अंदर जाएगी। आप मैंने इसलिए तो बोली थी कि मंदिर चलते तो गई नहीं हा? जब तक आधे घंटे हनुमान जी के दर्शन करते। हाँ ये है आगरा लेक और ये इनके रखवाले। चल खुल गया। देखो यहाँ तक आवाज आई, तब से तीज त्योहार चल रहा है इसलिए अभी लोग दिख नहीं रहे, नहीं तो यहाँ भीड़ रहती है। और ये प्रियति, प्रियति हेलो, उनको झूला झूलने का पड़ा है। हम पिकनिक बताने भी जा रहे थे तो इतने सब सामान थे तो लो इसमें खाना लेके आई। चलो इसमें ने पिकनिक मनाए थे क्योंकि लोगों को घूमने से ज्यादा ना जैसे बाहर निकलते खाने की पड़ी रहती है, तो खाने के लिए लेके आई है ने इडली रखी। और पता आज खुद से खुद पैक करी है टिफिन। ये वर्मा जी और ये हूँ मैं। नहीं नहीं दौड़ना नहीं है, गिर जाओगे। तो हम आ गए हैं वॉकिंग करने, हम वॉकिंग करेंगे, ये बच्चे लोग घूमेंगे। और मतलब चार दिन की छुट्टी थी इन लोगों की, दिवाली की सैटरडे संडे रहती है, दो दिन थी तो ऐसे हो गए चार दिन। चार दिन से ये लोग घर पे ही थे तो आज परेशान करने लगे थे कि मम्मी पापा को परेशान कर रहे थे, पापा चलो कहीं चलो, तो पापा ने बोला कि पार्क ले चलेंगे, तो बस फिर उनका पीछे लग गए कि चलो पार्क ही चलेंगे। तो आ गए हम और वॉकिंग ना शुरू करना है वापस, क्योंकि अभी ना मुझे पूरा पूरा अभी 6-7 किलो वजन और कम करना है। हेलो गाइस करो पहले, बोलो जल्दी हेलो गाइस बोलो, कैसे बोलना है। ये है यहाँ का जिम पार्क, शिवन्या वाली इधर झूला झूल रही है। हम ऐसे घर के पास में रहे ना तो रोज आ जाए आधा घंटे के लिए तो बहुत होता है। क्यों नहीं खिलाई वानी, इधर आ जाओ वानी, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं खिला रही प्रियति, आओ। उसको समझ में नहीं आ रहा मम्मी का, नहीं खेलने दे आराम से, उस पे खेलना वो तो सब एक्सरसाइज वाला है, खेलना है आ जाओ तो आओ। हो गया ठीक
कैसा मजा आ रही है? आराम से लगे ना लटकने का है। अब तो ये आगे नहीं जा रहा वानी। हाँ देखो दर। देखो 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 वानी देखो। हेलो मजा आ रहा। इससे क्या होता है थाई स्ट्रांग हो जाती है फिर वानी की है ना। फिर वानी को बहुत ताकत आ जाएगी। फिर वानी अक्षिता को क्या करेगी झिझुम से उड़ा देगी है ना। उड़ाएगी ना आराम से। हाँ आओ वानी आप आओ तो मैं देख रही हूँ यहाँ। डर लग रहा है पकड़ो। देख रही हूँ मैं आ जाओ। अरे आओ ना। वाह 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 जाओ झूलो झूलो। प्रिया दी झुला दे उसको थोड़ा सा ना तभी। अरे तो कुछ नहीं होता। तो टाइट पकड़े ना वानी। हाँ धीरे 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 लगने नहीं चाहिए आराम से ना। हो गया चले क्या नहीं नो 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 बैठो इसी को टिक टिक करो। कैसे चलता बताओ जरा दादू को दिखाएंगे फिर अपन। चलो चला के दिखाओ जल्दी। पैर रखो आगे रखो पैर। हाँ आप चलाओ। वाह अरे वाह अरे वाह चलाओ चलाओ। आराम से झूला झूल लिया है। कितने सारे झूले झूला? बहुत सारे। मजा आई वानी ने झूला झूल लिया बहुत सारे। वानी को बहुत मजा आई। अब वानी जाएगी घर वो फिर क्या करेगी खाना ही खाना खाएगी। आज तो टिफिन लेके आई थी वानी अभी पार्क में ना। टिफिन लाई थी। टिफिन में इडली लाई थी वानी ने। इडली मैं टाइट ही खाऊंगी। हाँ ये लेग शिवन्य वानी इधर इधर बैठेंगे।
आराम से जल्दी का मतलब पानी के अंदर ये देखो सांप आ रहा है। हाँ सांप ही है वो छोटा वाला, देख आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अरे पानी में नहीं दिख रहा, ये चलता हुआ, ये देख आएगा अभी निकल के यही। इधर और इधर देखो इधर, और मैं भाग जाऊंगी फट से। फिर गए हैं हम सरजापुर और हमारे जगह पर, और बच्चा पार्टी दोनों सो गई हैं, ये मनी भी सो गई है, प्रियति भी सो गई है, और हम भी पहुंच गए हैं। अब सब्जी लेने जाना है तो सब्जी लेने जाएंगे सबसे पहले हम घर में जाके, यहीं से हम लैब लेंगे और हमारे घर की ओर कारमिला राम स्कूल जो है इस रोड पे। ये देखो दोस्तों, उस दिन यहाँ मैं फूल लेने आई थी ना, यहाँ से फूल लेके गई थी मैंने दिवाली के दिन, ये गोरिल्ला बैठा हुआ है, बैंड बजाने लगा है, ये मतलब अंदर मेला चालू हो गया है। हाँ टिकट लग रही है, टिकट काउंटर टिकट लग रही है ना अंदर, ये कुछ है मतलब ऐसा दिखा रहे हैं बिटू, झूलक साथ रोबोटिक, क्या इंटरनेशनल रोबोटिक कुछ है, देखो कैसा देख रहा है। सब्जी बाजार यहाँ का आज खाली खाली दिख रहा है, इतना रोड नहीं तो कभी रहता नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा लगता है। ठीक हो गया है ना, आज बाजार पूरा खाली खाली है और दुकानें भी कम लगी हैं यहाँ पर, गिनी चुनी दुकानें लगी हैं, तो सब्जी समझ में नहीं आ रही क्या ले, सब 60 रुपये 70 रुपये किलो है, नहीं तो इस मार्केट पे ना चलने की भी जगह नहीं रहती, लेकिन आज भीड़ कम है। ऐसे रोड के किनारे मार्केट लगा रहता है इस तरफ उस तरफ, लेकिन आज 2-3 दिन की त्यौहार के बाद पूरा मार्केट ठंडा है। आम अमा अनार, तो ये खड़ी हमारी गाड़ी, अब हो गया है मार्केटिंग, अब चलेंगे हम। क्या हुआ, आइसक्रीम कहाँ मिलता बेटा? ये गोरला गोरला बोल रहा है आओ आओ मेरी दुकान में आओ, मैं बच्चों को खा जाता हूँ, जो बच्चे आइसक्रीम खाते में उनको खा जाता हूँ, ऐसा बोलता है। तो हमने ले लिया सब्जी, जी रखी हमारी सब्जी पेड़ के नीचे रखी है, मैं उठ बैठी हूँ ऐसे ऊपर, क्योंकि सब्जी मैंने नीचे रख दिया इधर, पूरा थैली मैंने नहीं लाई थी ना वानी दीदी, सब्जी पूरा ले लिया है। वानी शिवन वानी क्या कह रही है, आइसक्रीम खाना है इसको, हम यहाँ मौसम इतना ठंडा है, तब सामने देख गौरामा दिखेंगी अभी, कोविड के टाइम देख लाए हैं। पार्क से सब्जियां ले लिए हैं मार्केट से, मैंने आज आप मार्केट दिखाया ना आपको, ऐसा होता है यहाँ का मार्केट, मतलब रोड के मेन रोड के किनारे ही लगा रहता है और बहुत रश रहता है, लेकिन आज पहली बार है जो पहला संडे है मतलब अभी साल भर में जहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, एकदम मार्केट पूरा खाली था, शायद त्यौहार है ना, त्यौहार ख़त्म हुआ है और इसलिए मार्केट पूरा धीमा हो गया, नहीं तो इतनी भीड़ रहती है ना कि उसी मार्केट में चलने छोड़ो पैर रखने की जगह नहीं होती है। सुबह देखो यहाँ पर थार खड़ी थी हमारे मकान मालिक की, अभी इनकी दूसरी गाड़ी आ गई, इनके पास ना 4-5 गाड़ी है और वो भी एक तो 1 करोड़ की है, वो जो सबसे महंगी वाली गाड़ी होती है ना वो है, बहुत पैसा है हमारे जो जिसकी ये बिल्डिंग है ना उनके पास में, लेकिन बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर बहुत, और जिनकी बिल्डिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, 4-4, 5-5 गाड़ी है इनके पास में। तो अब हम निकालते हैं सब्जी और आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं एंड, और फिर हम आपको मिलेंगे, बच्चों के कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म हो गई है, दिवाली वाला ब्लॉग मेरे को आज ही पब्लिक करना था बट मैं आज कर नहीं पाई क्योंकि आज भी पूरा दिन मेरा ऐसे चला गया बच्चों के पीछे, तो फिर हम आपको मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में, कल से बच्चों